गुजरात का वडोदरा शहर कहने को तो स्मार्ट सिटी है, लेकिन स्मार्ट सिटी की कुछ तस्वीरें स्मार्ट सिटी को शर्मनाक सिटी करार दे ऐसी है। वडोदरा के सुभानपुरा में जीएसटी भवन निकट अर्बुदा सोसाइटी है। इस सोसाइटी में 60 बिल्डिंग है। यहाँ बरसाती पानी के जल भराव के बाद गंदगी फैल गई है और इस गंदगी से अब लोगों को बीमारी फैलने का डर सता रहा है। समस्या की जानकारी वडोदरा कॉरपोरेशन तक भी पहुंचाई गई और वडोदरा के डिप्टी मेयर चिराग बारोट ने यहां का दौरा भी किया है, लेकिन अभी भी अर्बुदा नगर सोसाइटी में गंदगी का माहौल ज्यों का त्यों बना हुआ है। बारिश के बाद अब वडोदरा में बीमारियां बढ़ रही हैं और ऐसे में इस गंदगी को साफ करने की मांग यहाँ के स्थानीय निवासी कर रहे हैं। पॉल्यूशन में तो लाइन मोटी ना की तो रोड नु पण सोल्यूशन नहीं तो हूँ मानवा तैयार नहीं। तमे आजूबाजू ना बधा रोड ऊंचा कर्या तो ए वक्त समझ ना आवे कि आ रस्तो अंदर जतो रहेशे। एनी साथे साथे अनु प्लानिंग केम ना थयुं कारण जो घरना गंदगी नहीं है। अमुक लोग ने पानी भरे कोई आवत नहीं। तमे आ बधा रोड बनाया तमे आ बाजू नो आ बाजू नो बधा रोड एलिवेट थई गया। रीजन बताओ आइसोलेट ચોમાસાના 15 દિવસ પહેલા હું આવ્યો હતો, પૂછો આ લોકોએ બોલાવ્યો હતો મને, અને એ વખતે પછી આ ચોમાસાના પહેલા રસ્તો ભીગી ગયો, નહીં પાંચ વાર પહેલા પણ રસ્તો ભીગી ગયો, ત્યારે ભીગી ગયો અને એના માટે જ આવ્યો હતો બરાબર। એના પછી પણ એવું છે, આપણો આ જે કોન્ટ્રાક્ટર ને પાઇપલાઇન નાખી છે ને 2 લાખ રૂપિયા દંડ ભી કર્યો છે, તો 2 કરોડ લઈને પછી 2 લાખ એટલે વસુના કહેવાય છે। તમે લોકો તો યાર અમે 10 લાખ રહી ગયા છે ના એમાં મારું સોલ્યુશન થોડો વાગે આપણે નિકાલ લાવો છે અર્બુદા નગર સોસાયટી હૈ, इसमें 66 बिल्डिंग है और 4 रोड है मेन। इसमें गई काल वो मेयर और ये लोग आए थे, अभी तक कोई साफ सफाई करने के लिए आया नहीं है, ऐसे ही पड़ा है। समस्या तो हर साल है, जो पानी 8-9 इंच बारिश आता है तो वो आगे से जो रोड है जो रामेश्वर वाला वो ऊंचा है, तो इधर सब पानी भर जाता है। कहीं कहीं पीछे की लाइन में घर में भी पानी घुस गया है और गंदगी इसके जो निकल जाता है पानी, फिर जो कांप होता है गंदगी होता है वही यहीं की यहीं रह जाती है।